हाय फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, ये जो मछली है कम से कम 7 किलो का मछली है दोस्तों। और ये भी मछली देखिए, एक आदमी पकड़ चुका है। अलग अलग मछली है, राहू है, कतला है, कालबोश भी है। और दोस्तों इतना मछली कैसे पकड़ रहे हैं आपको बताएंगे, कहां पर इन लोग ये मछली पूरा पकड़ रहे हैं। तो हम भी आज शाम में गए थे इस जगह की खोज में। तो दोस्तों किनाल का पानी है। हाय फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, बारिश इतना हो चुका है, किनाल में पानी है। अभी सारा जगह पकड़े हैं इन लोगों ने, गेट तो पूरा निकल चुका है दोस्तों। और बहुत ही दोस्तों गहरा पानी, जो कि बारिश का पानी है। और ये 2, 3, 4, 5 जो गेट है, गेट को भी थोड़ा कितना सुंदर पानी जा रहा है, पानी जाने के लिए जैसे। और इसका मछली भी है जैसे, मछली भी है दोस्तों, जो कि आदमी फिश पकड़ और फिशिंग पकड़ने का मजा भी ले रहा है जैसे। तो इतना पानी है दोस्तों यहाँ पर। तो हम भी आज शाम में गए थे जो कि देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। कहाँ पर डैम अगर भर गए तो गेट को ओपन करना पड़ता है। तो ऐसे ही गेट की गेट से पानी लगता है। और गेट ओपन करने के समय मछली जैसे निकल जाता है गेट से। बहुत 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही मछली जो कि निकल जाता है। और ऐसा ही जो कि आदमी फिश का शिकार करते हैं दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को दोस्तों शेयर करें। ऐसे ही वीडियो हम आप लोग आते रहेंगे अलग अलग किस्म की वीडियो। और देखिए इस तरफ का भाग देखें, एक तो बैक साइड हो गया है, सामने का पानी कहाँ से आ रहे हैं इस तरफ का दिखाते हैं दोस्तों। अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं। यह एक दोस्तों छोटा सा गेट है, गेट को ओपन करते हुए हम अंदर जा रहे हैं। ये है उसका गेट, जो पानी गेट को ऊँचा कर दिया, पानी जा रहा है। और इधर सब इस पार भी आप जा सकते हैं, ये भी देखें ऐसे अंदर गेट है। और ऐसे ही आप जा सकते हैं, ये है वाटर का नज़ारा। और इधर से दोस्तों पानी आ रहा है, इधर से पानी कहाँ से आ रहा है, जो कि यहाँ से कम 30-40 किलोमीटर दूर, जो कि वहाँ पर डैम है जैसे, डैम जो कि भर चुका है बरसात में, तो उसका ही पानी छोड़ा गया है। वही पानी जो कि यह सब बाहर जा रहा है। तो बरसात में आखिर यही होता है, जब पानी डैम में तालाब में ज़्यादा हो जाए तो पानी छोड़ना पड़ता है। उसका हिसाब रहता है, मेंटेनेंस रहता है, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो गए तो डैम खतरा मंडराने लगता है। और इसमें फिशिंग भी बहुत, तो ऐसा ही दोस्तों पूरा हमने बता दिया उसको। और इसके ये है पिलर्स, और इसका हाइट देखिए, यहाँ से जहाँ 20-25 फीट का हाइट है, तो इधर से उधर आप जा सकते हैं यहाँ से। तो हम गाड़ी हमारा बाजू में पार्किंग था, पानी तो पहले अंदर घुस गए थे वीडियो शूट करने के लिए दोस्तों। और देखिए पानी कितना सुंदर आ रहा है, और पानी के साथ साथ मछली भी आ रहा है। थैंक यू।